हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर 8 क्लास 10 का हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस पढ़ने जा रहे हैं। इससे टोटल 6 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं और एक लॉन्ग मार्क्स का क्वेश्चन आता है और 5 मार्क्स। ओके, तो ये इम्पॉर्टेंट है और हम लोग बहुत इजीली इसको समझ सकते हैं। अब देखो, रिप्रोडक्शन होता क्या है। एक बायोलॉजिकल प्रोसेस जिसमें ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसा नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है। इसमें प्रोसेस क्या होते हैं रिप्रोडक्शन में जो अकर होते हैं, तो इसमें डीएनए की कॉपीज़ बनती है। डीएनए की कॉपीज़ बनने के कारण इसमें एक लाइट वेरिएशंस भी होते हैं, ठीक है। और ये वेरिएशन जो है वो हमारा यूज़फुल होता है फॉर लॉन्ग टर्म सर्वाइवल ऑफ एनी स्पीसीज। डीएनए की जो कॉपीज़ बनती है दैट आर सिमिलर टू पेरेंट बट नॉट आइडेंटिकल, मतलब कुछ कुछ जो सिमिलैरिटीज़, अब फॉर एग्जांपल जो हम लोग हैं तो हम लोग पेरेंट्स से सिमिलर हैं, कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पेरेंट्स से मैच करती है, पर क्या हम उनके डिट्टो आइडेंटिकल है? नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वेरिएशन होता है और वेरिएशन जो है डीएनए कॉपिंग में होती है दैट इज़ वेरी यूजफुल फॉर लॉन्ग टर्म सर्वाइवल ऑफ एनी स्पीसीज, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि ये जो रिप्रोडक्शन है इसके टाइप्स कितने हैं। तो रिप्रोडक्शन के दो टाइप्स है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, ठीक। इसमें टाइम और एनर्जी कम लगती है। इसमें सिंस यहाँ पे डीएनए की कॉपिंग और कोई भी मिक्सिंग नहीं होती क्योंकि सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है, तो यहाँ पे वेरिएशंस होते ही नहीं है और इवोल्यूशन नहीं होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, इसमें टू पेरेंट्स इन्वॉल्व है, ठीक। यहाँ पे मोर वेरिएशन बिकॉज ऑफ टू पेरेंट्स डीएनए कॉपिंग, दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं तो यहाँ पे डीएनए कॉपिंग कॉम्प्लेक्स हो जाती है और वेरिएशन ज़्यादा होता है। फिर वेरिएशन ज़्यादा होगा तो इट विल फाइनली लीड्स टू इवोल्यूशन। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के भी 6 टाइप्स है। सबसे पहला टाइप है फिजन, दूसरा बर्डिंग, तीसरा स्पोफोमेशन, फोर्थ इज रीजेनरेशन, फाइव इज फ्रेगमेंटेशन एंड 6 इज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। फिजन में क्या होता है, फिजन का मतलब कि जो पेरेंट का बॉडी होता है वो ही डिवाइड होके दो या उससे ज़्यादा डॉटर सेल्स बनाते हैं। तो इसका डेफिनेशन क्या हो गया, इट इज़ अ टाइप ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेयर स्प्लिटिंग ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इंटू टू और मोर डॉटर सेल्स होते हैं, ठीक है। तो ये जो फिजन है ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ये किस तरह के ऑर्गेनिज्म में होता है, तो ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। और ये कितने डॉटर सेल्स, या तो ये दो या दो से ज़्यादा सेपरेट डॉटर सेल्स बनाते हैं, ठीक है। अब ये जो फिजन है इसके भी दो टाइप है। उसमें फर्स्ट टाइप है बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन हमें अमीबा और पारामीशियम में देखने को मिलता है। बाइनरी फिजन क्या है, का डेफिनेशन है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म डिवाइड्स इट्स बॉडी इंटू टू न्यू बॉडीज, देन सच टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज नोन एज बाइनरी फिजन। एग्जाम्पल अमीबा और पारामीशियम हो गया। ये देखो, पेरेंट सेल्स है, सबसे पहले उसका न्यूक्लियस डिवाइड होता है, फिर उसका साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है एंड फाइनली इट फॉर्म्स टू डॉटर सेल्स, ओके। फिजन का दूसरा टाइप है मल्टीपल फिजन, द प्रोसेस इन विच मेनी डॉटर सेल्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम अ पेरेंट सेल इंस्टेड ऑफ टू डॉटर सेल। इसमें पेरेंट का जो बॉडी है वो डिवाइड करके मल्टीपल डॉटर सेल्स बनाते हैं, इसलिए इसको मल्टीपल फिजन कहते हैं। मल्टीपल मीन्स मेनी एंड फिजन मीन्स डिवीजन, ओके। सेकेंड टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बर्डिंग। वॉट इज इट, इट इज़ एन ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच एन ऑर्गेनिज्म डेवलप्स और फॉर्म्स अ बर्ड एंड दिस बर्ड ग्रोज इन टू अ न्यू ऑर्गेनिज्म। ये हमें बर्डिंग का प्रोसेस हमें हाइड्रा में देखने को मिलता है। ये देखिए क्या होता है इसमें, ये पेरेंट हाइड्रा है, पेरेंट हाइड्रा के बॉडी में एक स्मॉल बर्ड ग्रो करना स्टार्ट हुआ। ये जो न्यू बर्ड है ये फिर थोड़ा और ग्रो करता है एंड फाइनली इट्स डिटैचेस एंड ग्रोज इन टू अ न्यू हाइड्रा, ओके। थर्ड फॉर्म ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन क्या है, इट इज़ अ टाइप ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच ए पेरेंट प्लांट प्रोड्यूस हंड्रेड ऑफ टाइनी स्पोर्स एंड ईच स्पोर कैन ग्रो इन टू न्यू प्लांट। ये राइजोपस का प्लांट है, ठीक है। ये हाइफा है जो कि आप कह सकते हो एक फिलामेंट स्ट्रक्चर है। ये जो राउंड स्ट्रक्चर है इसको हम लोग स्पोरेंजिया कहते हैं और इसके अंदर स्पोर्स होते हैं। तो ये स्पोर फॉर्मेशन में क्या होते हैं कि ये ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें स्पोरेंजिया में स्पोर्स प्रेजेंट है,
फिर ये फाइनली आफ्टर गेटिंग मैच्योर्ड बर्स्ट हो जाता है, स्पोरेंजिया बर्स्ट करता है और उससे स्पोर्स निकल के डिस्पर्स हो जाते हैं और जाके सॉइल्स में एम्बेड हो जाते हैं। और ये डिस्पर्स्ड स्पोर्स जो एम्बेड हो गए सॉइल में, जब इसे फेवरेबल कंडीशन मिलता है तो ये एक न्यू प्लांट में ग्रो कर जाते हैं। दिस प्रोसेस इज नोन एज स्पोर फॉर्मेशन। ये हमें राइजोपस प्लांट में देखने को मिलता है। इसका एडवांटेज क्या है स्पोर फॉर्मेशन का? लार्ज नंबर ऑफ स्पोर्स आर प्रोड्यूस इन स्पोरेंजियम विच लीड्स टू प्रोडक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स। ज़्यादा से ज़्यादा स्पोर्स होते हैं इसमें तो ज़्यादा स्पोर्स मीन्स ज़्यादा ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होंगे। सेकेंड बेनिफिट क्या है? स्पोर्स आर डिस्पर्स्ड ईजिली बाय एयर टू डिस्टेंस प्लेसेस विच रिड्यूसेस कॉम्पिटिशंस एट वन प्लेस। अब स्पोर्स को फिर से नया प्लांट ग्रो करने के लिए कुछ तो नरिशमेंट चाहिए होगा, तो क्या होता है ये जो स्पोर्स है ये इजिली कैरिड अवे हो जाते हैं एयर के कारण, ये इधर उधर चले जाते हैं जिसके कारण एक पर्टिकुलर एरिया में कंपटीशन नहीं बढ़ता और दूसरे दूसरे जगह पे होने के कारण कंपटीशन लेस होता है और वो लोग अच्छे से ग्रो कर पाते हैं। स्पोर्स आर कवर्ड बाय थिक वॉल्स टू प्रिवेंट देम फ्रॉम अनफेवरेबल कंडीशन। ये जितने भी स्पोर्स हैं इनमें एक आउटर कवरिंग होती है जो जो कि थिक वॉल होता है जो उसे अनफेवरेबल कंडीशंस में अच्छे से प्रोटेक्ट करके रहता है। जैसे ही फेवरेबल कंडीशन मिलता है वो फिर ग्रो कर जाते हैं न्यू प्लांट में। फोर्थ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो फ्रेगमेंटेशन है। टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच एन ऑर्गेनिज्म ब्रेक्स डाउन इनटू सेवरल फ्रेगमेंट्स एंड ईच फ्रेगमेंट ग्रोज इनटू न्यू इंडिविजुअल, इट ग्रोज इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो फ्रेगमेंटेशन क्या है? फ्रेगमेंटेशन जो है सबसे पहले तो ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है, बाकी तीनों जो थे वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में हो रहे थे लेकिन ये फ्रेगमेंटेशन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है। इसमें क्या है ये देखो, ये स्पायरोगायरा में हमें देखने को मिलता है फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस। सेप्टा जो है वहीं से डिवाइड होता है ऑर्गेनिज्म और जो भी ईच सेगमेंट जिसमें ये डिवाइड हुआ वो सारे के सारे सेगमेंट जाके न्यू इंडिविजुअल में ग्रो कर जाते हैं। फिफ्थ है हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का रीजेनरेशन। रीजेनरेशन का मतलब क्या है? री मीन्स फिर से, जेनरेशन मतलब ग्रोथ होना, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेयर द ऑर्गेनिज्म इज केपेबल ऑफ रीग्रोइंग सर्टेन बॉडी पार्ट। अब ये हम लोग को रीजेनरेशन प्रोसेस प्लानेरिया में देखने को मिलता है। सपोज दिस इज अ प्लानेरिया, इसको कट कर दो आप तीन पार्ट में, कर दिया। अब ये जो तीनों बॉडी पार्ट है ये जाके इंडिविजुअली ग्रो कर जाते हैं डॉटर प्लानेरिया में। तो हर एक बॉडी पार्ट में एक स्पेशलाइज्ड सेल्स होता है जिसमें कैपेबिलिटी होती है फिर से रीग्रो करने की, एंड दैट टाइप ऑफ ग्रोथ इज नोन एज रीजेनरेशन, ठीक है। नाउ जो हमारा लास्ट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है उसको हम लोग वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहते हैं। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या है? वेजिटेटिव पार्ट से जब ग्रोथ होता है तो हम लोग उसको वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहते हैं। इसका डेफिनेशन क्या है? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इज अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट विच इज प्रोड्यूस फ्रॉम स्टेम्स रूट्स एंड लीव्स। अब ये स्टेम रूट्स और लीव क्या है? ये वेजिटेटिव पार्ट होते हैं और जब इस पार्ट से एक न्यू इंडिविजुअल का ग्रोथ हो तो उसे हम लोग वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहेंगे। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन भी टू टाइप्स के हैं, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन एंड आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जिसमें वो खुद ब खुद नेचुरली हो जाए विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ ह्यूमन, तो हम लोग उसको मतलब कि वो खुद नेचुरली हो रहा है ह्यूमन के इन्वॉल्वमेंट के बिना, तो उसे हम लोग नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहेंगे। अगर ये रूट से हो रहा है ग्रोथ तो स्वीट पोटैटो का एग्जांपल हो गया, स्टेम तो पोटैटो है एग्जांपल, और लीव्स हम लोग ब्रायोफेलम में वेजिटेटिव प्रोपोगेशन ऐसा देखते हैं। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या होता है? नाम से ही पता चल रहा है कि आर्टिफिशियल ही है, मीन्स कि हम लोग उसको खुद से कर रहे हैं, नेचुरली वो नहीं हो रहा। तो दैट टाइप ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन विच इज़ डन बाय मैन इज नोन एज आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ये तीन मेथड से किया जा सकता है, कटिंग, ग्राफ्टिंग एंड लेयरिंग। कटिंग में क्या होता है, ये हम लोग का एग्जांपल रोज में है। क्या होता है कि एक प्लांट को हम लोगों ने कट किया और हम लोगों ने उसको दूसरे पॉट में लगा दिया और वो ग्रो कर गया न्यू प्लांट में। तो दैट टाइप ऑफ प्रोडक्शन व्हेन इट इज़ डन देन दैट इज नोन एज आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। एग्जांपल रोज है कटिंग के थ्रू। ग्राफ्टिंग में क्या होता है, सपोज हम लोग एक रेड
रेड रोज का स्टेम लिए और एक येलो रोज का स्टेम लिए, ठीक है। और दोनों जो स्टेम है उसको हम लोगों ने ज्वाइंट कर दिया, तो इस ज्वाइंट के पोर्शन को ग्राफ्टिंग कहते हैं, ठीक है। ऊपर वाले पोर्शन को स्कियन कहेंगे और नीचे वाले को स्टॉक कहेंगे। और ये एक जो प्लांट ग्रो होगा इसमें येलो कलर के भी फ्लावर्स आएंगे और रेड कलर के भी फ्लावर आएंगे। तो ये आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हो गया, एक नया टाइप का प्लांट फॉर्मेशन करने का टेक्निक को। इसका एग्जांपल है मैंगो और रोज़, ठीक है। बाय लेयरिंग, लेयरिंग का मतलब क्या है कि आपको किसी चीज़ पे लेयर डाल देना। तो इसमें क्या होता है, सपोज हम लोग जैस्मिन का प्लांट और लेमन का प्लांट एग्जाम्पल, इसमें ये जो है इसका जो प्लांट का जो स्टेम है इसको हम लोगों ने लाया और यहाँ ग्राउंड सॉयल में लाके इसके ऊपर मिट्टी डाला, तो यहाँ से जो है रूट्स ग्रो करेंगे और फाइनली इट विल डेवलप्स इनटू अ न्यू प्लांट। तो दिस टाइप ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इज डन बाय द हेल्प ऑफ लेयरिंग, ठीक है। लेयर किया गया हम लोगों ने यहाँ पे। अब तो ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन हो गया, अब सेक्शुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म बाय द कम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ऑफ टू इंडिविजुअल ऑफ डिफरेंट सेक्सेस। मीन्स क्या, सिंपल में अगर हम लोग इसे समझे तो एक मेल गेमेट होता है जो कि मेल से मिला और फीमेल गेमेट होता है जो कि फीमेल से मिला। मेल गेमेट क्या है, स्पर्म, और फीमेल गेमेट क्या है, एग। दोनों फ्यूज करेंगे और फॉर्म करेंगे न्यू इंडिविजुअल। जब दो पेरेंट इन्वॉल्व हो और न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हो बाय द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, तो उसे हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहेंगे, ठीक है। इसका सिग्निफिकेंस मीन्स इम्पॉर्टेंस क्या है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। सबसे पहला कि दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, तो दो पेरेंट्स जब इन्वॉल्व होंगे तो वेरिएशन के चांसेस क्या होंगे, हाई होंगे। वेरिएशन जो है वो क्या हेल्प करता है, वो इंडिविजुअल को बेटर सर्वाइवल के लिए हेल्प करता है, ठीक है। वेरिएशन जो है वो लीड करता है इवोल्यूशन में, और इवोल्यूशन और वेरिएशन जब होते हैं तो बेटर सर्वाइवल अडेप्टेबिलिटी हो जाती है। मीन्स कि एक ऑर्गेनिज्म अच्छे से सर्वाइव कर सकेगा क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ वेरिएशंस, अच्छे जीन्स ट्रांसफ़र हुए हैं, मॉडिफाई हुए हैं। देखो जो मेन है उसके पास कितना क्रोमोजोम है, 46 क्रोमोजोम। जो फीमेल है उसके पास कितना क्रोमोजोम है, 46 क्रोमोजोम। तो क्या ऐसे ही जाके फ्यूज कर जाएंगे, तो 46 प्लस 46 तो क्रोमोजोम का नंबर तो बढ़ जाएगा, पर ऐसा नहीं होता। ये जो डिप्लॉयड 46 मीन्स 2n, n क्या है, नंबर ऑफ क्रोमोजोम है, ठीक है। तो 2n इज इक्वल्स टू 46 और इसमें भी 2n इज इक्वल्स टू 46। मेन और फीमेल जो है वो डिप्लॉयड हैं, तो फर्टिलाइजेशन से पहले जब गेमेट फॉर्मेशन होता है तो सबसे पहले जो क्रोमोसोम का नंबर डिप्लॉयड है वो हैप्लॉयड बनेगा, ठीक है। हैप्लॉयड में जब बनेगा तो हैप्लॉयड का मतलब क्या कि जो 46 है उसका आधा नंबर ऑफ क्रोमोसोम बनेगा जो गेमेट में होगा। तो यहाँ पे मेल गेमेट फॉर्मेशन में जो मेल गेमेट स्पर्म होगा उसमें कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे, 23 होंगे, और जो फीमेल गेमेट है एग उसमें कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे, 23 होंगे। तो अब ये जब हैप्लॉयड कंडीशन में गेमेट फॉर्मेशन हो गया तब जाके ये दोनों गेमेट फ्यूज करेंगे, और जब ये फ्यूजन हो जाएगा मेल और फीमेल गेमेट का तब वो जाके जायगोट फॉर्म करेंगे, और ये जो जायगोट अब फॉर्म हुआ तो उसमें क्या हुआ, 23 और 23 फ्यूज करके बने, तो उसका जो अब क्रोमोसोम होगा वो कितना होगा, 46 होगा, और नेचर क्या कहलाएगा, डिप्लॉयड कहलाएगा, मीन्स 2n कहलाएगा। जो ये गेमेट है उसे हम लोग दूसरे नाम से भी जानते हैं, जैसे उसे जर्म सेल्स, सेक्स सेल्स और रिप्रोडक्टिव सेल्स भी कहते हैं। फीमेल का जो जर्म सेल एग होता है वो थोड़ा बड़ा होता है साइज में और वो स्टोर करता है फूड, वहीं पे मेल जर्म सेल जो स्पर्म होता है वो मोटाइल होता है क्योंकि उसे मूव करना है और स्मॉलर इन साइज होता है, ठीक है। अब आ जानते हैं कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है। द प्रोसेस इन विच मेल एंड फीमेल गेमेट्स फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म जायगोट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। मेल और फीमेल गेमेट के फ्यूजन से जब जायगोट बनता है इस पूरे प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। तो ये तो फर्टिलाइजेशन हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो फ्लावरिंग प्लांट में कैसे होता है। ये फ्लावर है, ठीक है। इसका जो नीचे का पार्ट है उसको हम लोग रिसेप्टिकल कहते हैं, इसे हम लोग सेपल कहते हैं, ठीक है। और ये जो पंखुड़ियाँ होती हैं उसे हम लोग इंग्लिश में पेटल्स बोलते हैं, ठीक है। एंथर और फिलामेंट जो है वो मेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट है जिसे हम लोग स्टेमेन कहते हैं।
तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम लोग स्टेमेन कहे, और स्टेमेन का दो पार्ट क्या है, एंथर और फिलामेंट। वैसे ही फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम लोग पिस्टिल कहते हैं, और पिस्टिल थ्री पार्ट्स का बना हुआ है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ रिप्रोडक्टिव प्लांट फ्लावर इज ऑफ टू टाइप्स, यूनिसेक्सुअल फ्लावर एंड बाइसेक्सुअल फ्लावर। यूनी का मतलब होता है वन, द फ्लावर विच हैज ओनली वन रिप्रोडक्टिव पार्ट दैट इज आइदर स्टेमन और पिस्टिल, दैट फ्लावर इज कॉल्ड यूनिसेक्सुअल फ्लावर, एग्जाम्पल पपाया और वाटरमेलन। मतलब यूनिसेक्सुअल फ्लावर क्या है, अगर फ्लावर एक है, ठीक है, उस फ्लावर में या तो मेल पार्ट प्रेजेंट है या फिर उस प्लांट में सिर्फ और सिर्फ फीमेल पार्ट प्रेजेंट है, मीन्स कोई भी मेल और फीमेल में एक पार्ट प्रेजेंट है, तो उस जैसे फ्लावर को हम लोग यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। ठीक है, एग्जांपल में पपाया और वाटरमेलन हो गया। बायसेक्सुअल फ्लावर, बाय का मतलब होता है बोथ, द फ्लावर विच हैज़ बोथ रिप्रोडक्टिव पार्ट दैट इज स्टेमन एंड पिस्टिल प्रेजेंट, देन सच फ्लावर इज कॉल्ड बायसेक्सुअल फ्लावर। ये हिबिस्कस और मस्टर्ड दोनों प्लांट का ये एग्जाम्पल है कि उसका बायसेक्सुअल फ्लावर होता है। तो बायसेक्सुअल का मतलब क्या है, एक फ्लावर है उसमें मेल पार्ट भी प्रेजेंट है और फीमेल पार्ट भी प्रेजेंट है, अगर ये दोनों पार्ट एक फ्लावर में प्रेजेंट होता है तो उस फ्लावर को बायसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। पॉलिनेशन, द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड पॉलिनेशन। तो वो प्रोसेस जिसमें पॉलन ग्रेन्स एंथर से स्टिग्मा में ट्रांसफर होते हैं उसको हम लोग पॉलिनेशन कहते हैं। पॉलिनेशन के दो टाइप है, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है, जब पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर मूव्स टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर देन इट इज कॉल्ड एज सेल्फ पॉलिनेशन। मतलब कि एक तो सबसे पहले बायसेक्सुअल फ्लावर होना चाहिए, बायसेक्सुअल फ्लावर होगा तो उसी फ्लावर में मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट होगा। तो जब सेम बायसेक्सुअल फ्लावर है उसी प्लांट के पॉलन ग्रेन्स जाके उसी प्लांट के स्टिग्मा में अटैच होके पॉलिनेशन का प्रोसेस कर रहे हैं तो उस टाइप के पॉलिनेशन को सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। ठीक है, क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है, वेन पॉलन ग्रेन्स ऑफ वन फ्लावर मूव्स टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर देन दैट इज कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन। इसमें क्या होता है कि पॉलन ग्रेन एक प्लांट का है और वो पॉलन ग्रेन जाके दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे ट्रांसफर होता है, तो उस टाइप के उस टाइप का प्रोसेस को क्रॉस पॉलिनेशन कहेंगे। ठीक है, ये किस टाइप के फ्लावर में देखने को मिलेगा, ये आपको बायसेक्सुअल प्लांट में भी दिख जाए फ्लावर में भी दिख जाएगा और यूनिसेक्सुअल फ्लावर में भी दिख जाएगा। ठीक है, पॉलन ग्रेन जो है वो एक जगह से दूसरी जगह क्रॉस पॉलिनेशन में वो कैसे जाएंगे, पॉलन ग्रेन्स के पैर हाथ तो है नहीं, वो तो कैसे जाएंगे कैसे, तो पॉलन ग्रेन्स आर ट्रांसफर थ्रू सम एजेंट। ये एजेंट्स क्या हो सकते हैं, ये वाटर हो सकता है, विंड हो सकता है और एनिमल हो सकता है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग इसमें कि जर्मिनेशन क्या होता है। प्लांट ग्रोज फ्रॉम सीड इंटू सीडलिंग, मीन्स कि सीड से, जब सीड को हम लोग सॉइल में डालते हैं तो वो सीडलिंग मीन्स छोटा सा सैपलिंग में ग्रो होता है, तो उस प्रोसेस को हम लोग जर्मिनेशन कहते हैं। तो वो होता कैसे, ये देखो, अब ये जो प्रोसेस है कि पॉलिनेशन कैसे होगा फिर फर्टिलाइजेशन कैसे होता है ये देखते हैं। चलो ये देखो, ये मैंने जो बनाया है डायग्राम इसमें मेल और फीमेल दोनों पार्ट प्रेजेंट है, तो जब मेल और फीमेल दोनों पार्ट प्रेजेंट हो तो उस टाइप के फ्लावर को कैसा फ्लावर कहते हैं, बायसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। तो देखो ये जो एंथर है उसमें अपना पॉलन ग्रेन्स वहाँ से निकल के स्टिग्मा पे आया, स्टिग्मा से होते हुए वो स्टाइल में आया, स्टाइल से होते होते हुए वो ओवरी में आया, ये इसको पूरा इसको ओवरी कहते हैं। ठीक है, ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट है, ओव्यूल या कहो एग प्रेजेंट है, ओव्यूल को ही एग कहते हैं। ठीक है, अब जब ये आया मेल गैमेट और ये जो फीमेल गैमेट है एग, ये दोनों क्या करेंगे, फ्यूज़ करेंगे, फ्यूज़ करेंगे तो ये जो फ्यूजन का प्रोसेस है इसको हम लोग फर्टिलाइजेशन कहेंगे। फर्टिलाइजेशन हो गया तो ये क्या फॉर्म करेगा, जायगोट। ठीक है, अब जो है ये ओवरी, ओवरी है ना, ये ओवरी, ये एक थिक कोट डेवलप करता है, जब ये थिक कोट डेवलप करेगा तो वो कन्वर्ट हो जाएगा कैची में, सीड में, और जो ओवरी है वो ग्रो कर जाएगा और फॉर्म करेगा फ्रूट, एग्जांपल आपका गुआवा हो गया सपोज। ठीक है, और इसी में मैंने बताया कि जर्मिनेट, अब ये जो सीड फॉर्म किया तो ये जर्मिनेट करेगा। जर्मिनेट क्या होता है, जब प्लांट ग्रो करता है सीड से तो उस प्रोसेस को जर्मिनेशन कहते हैं। ठीक, अब जो सेपल है उसका क्या क्या रोल है, सेपल जो है वो फ्लावर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है,
पेटल्स मीन्स जो पंखुड़ियां हैं वो क्या करती हैं, तो जो पेटल्स है उसका काम है कि वो कलरफुल है, तो कलरफुल है तो वो इंसेक्ट्स और एनिमल्स को अट्रैक्ट करेंगी, जब अट्रैक्ट करेंगी तो आएंगे, तभी ना जाके क्रॉस पॉलिनेशन होगा, ठीक है। डबल फर्टिलाइजेशन, ये क्वेश्चन आ सकता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, पर ये मैं बहुत इजी से समझा दूंगी आप लोगों को, देखो क्या होता है। डबल फर्टिलाइजेशन जब भी पूछा जाए तो आप याद रखना कि डबल फर्टिलाइजेशन का मतलब दो प्रोसेस होगा, तो इसमें जो दो प्रोसेस होता है वो क्या क्या होता है, एक होता है सिनगैमी और एक होता है ट्रिपल फ्यूजन। जब ये दोनों प्रोसेस होता है तो हम लोग उसको डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अब देखो हुआ क्या, दो मेल गेमेट है, मेल गेमेट किस में होते हैं, पॉलन ग्रेन्स है उसमें, मेल गेमेट्स है, दो मेल गेमेट्स है पॉलन ग्रेन में, वो ओव्यूल के अंदर आए, ओव्यूल के अंदर आए, तो एक जो फर्स्ट मेल गेमेट है वो फ्यूज़ कर जाएगा एग से और जायगोट बनाएगा, इस प्रोसेस को सिनगैमी कहते हैं। बचा दूसरा वाला मेल गेमेट, जो दूसरा वाला मेल गेमेट है वो फ्यूज़ कर जाएगा टू पोलर, जो दो पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट है जिसको हम लोग सेकेंड न्यूक्लियस भी कहते हैं, ये जो दो पोलर न्यूक्लियाई है वो कहाँ प्रेजेंट है, ये हमारा ओव्यूल में प्रेजेंट है, ठीक है, और ये फॉर्म कर जाएगा एंडोस्पर्म और इसको कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन, ठीक। तो जब सिनगैमी और ट्रिपल फ्यूजन होगा तो उस प्रोसेस को हम लोग डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अब रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स क्या है, अब जब हम लोग ग्रो करते हैं तो हमारे बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, हमारा हाइट चेंज होता है, हमारे दूध के मिल्क टीथ जो होते हैं वो भी गिर जाते हैं और नया टीथ भी बनता है, कुछ कुछ रिप्रोडक्टिव चेंजेस भी हम लोगों का होता है, जो रिप्रोडक्टिव चेंजेस होता है वो एडोलेसेंट के स्टार्ट में होता है, जब हमारा प्यूबर्टी स्टार्ट होता है, ये टीनेजर्स में स्टार्ट हो जाता है, जो एज है वो 12 से 13 होते हैं। क्या क्या चेंजेस है जो बॉयज़ और गर्ल्स में मेनली देखे जाते हैं, तो थिक हेयर का ग्रोथ होता है हमारे बॉडी पार्ट में, जैसे कि आर्मपिट्स और जेनिटल एरिया में, जो हमारा स्किन है वो ऑयली बन जाता है और वो पिंपल्स बनते हैं हमारे फेसेस पे। उसके बाद हमारा जो वॉइस चेंजेस भी हो देखा जाता है बॉयज़ में, गर्ल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाता है और फेशियल ग्रोथ भी होते हैं बॉयज़ के फेस पे, फिर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक भी डेवलप होता है बोथ मेल एंड फीमेल में। प्यूबर्टी क्या होता है, प्यूबर्टी जो है द टाइम इन लाइफ व्हेन बॉय एंड गर्ल बिकम सेक्सुअली मैच्योर्ड इज कॉल्ड प्यूबर्टी। तो प्यूबर्टी जब बॉय और गर्ल के बॉडी में चेंजेस आते हैं और उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में ग्रोथ होता है और वो मैच्योर होने लग जाते हैं, तो दैट टाइम इज नोन एज प्यूबर्टी। तो ये गर्ल्स में जल्दी स्टार्ट हो जाता है एट दी एज ऑफ 10 to 14 ईयर्स और बॉयज़ में ये 12 to 16 ईयर्स में स्टार्ट होता है। अब फर्टिलाइजेशन जो है वो दो टाइप का होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और इंटरनल। एक्सटर्नल का मतलब होता है आउटसाइड और इंटरनल का मतलब होता है इनसाइड। जब फर्टिलाइजेशन प्रोसेस मतलब कि फ्यूजन ऑफ मेल और फीमेल गैमेट जब बॉडी के बाहर हो तो उस टाइप के फर्टिलाइजेशन को हम लोग एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं, जो कि हम लोग को फ्रॉक्स वगैरह में देखने को मिलता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन मीन्स इनसाइड द बॉडी। तो जब फर्टिलाइजेशन मतलब फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट हो, कहाँ हो, तो इनसाइड फीमेल्स बॉडी, तो उस टाइप के फर्टिलाइजेशन को इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं, जिसका मेन एग्जाम्पल है ह्यूमंस, ठीक है। अब ये देखो, ये है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये जो डायग्राम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ही आता है, सो आपको ये अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना चाहिए। तो इसमें क्या क्या है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, ये है यूरेटर, ये प्रोस्टेट ग्लैंड है, ठीक है, ये टेस्टिस है, इसके बाहर के कवरिंग को हम लोग स्क्रॉटम कहते हैं, ये वास डिफरेंसेस है। सबका रोल क्या है, जो टेस्टिस है ये दो होते हैं, ठीक है, ये टेस्टिस जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में दो होते हैं, ठीक है, ये इसको हम लोग प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी कहते हैं मेल का, ठीक है, ये दो है नंबर में, और सबसे पहला बात और दूसरा बात क्या है, ये एब्डोमिनल कैविटी के बाहर होता है। इसका फंक्शन क्या है, तो इसका फंक्शन है स्पर्म का प्रोडक्शन, दूसरा ये टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है वो रिलीज करता है, और टेस्टोस्टेरोन क्या करता है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म करता है, और जो मेल में चेंजेस आते हैं ड्यूरिंग प्यूबर्टी, ये उस जो टेस्टोस्टेरोन है ये उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। जो स्क्रॉटम है, जो बाहर का कवर, तो ये क्या है कि, तो ये जो स्क्रॉटम क्या है, द टेस्टिस आर प्रेजेंट इन अ ब्राउन सैक कॉल्ड स्क्रॉटम, ये भी जो है वो एब्डोमिनल कैविटी के बाहर होता है, ये टेस्टिस का एक आउटर कवरिंग है,
टेस्टिस और स्क्रोटम जो है वो एब्डोमिनल कैविटी के बाहर इसलिए रहता है क्योंकि जो स्पर्म प्रोडक्शन है उसको बॉडी टेम्परेचर से कम 2 डिग्री कम होना चाहिए, तब वो अच्छे से स्पर्म प्रोडक्शन कर सकता है। ये जो वास डिफरेंसेस है ये क्या है? तो वास डिफरेंसेस जो है वो स्पर्म प्रोड्यूस्ड इन टेस्टिस आर कैरिड थ्रू वास डिफरेंसेस टू यूरेथ्रा, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड स्पर्म डक्ट और स्पर्म डिफरेंसेस। मतलब क्या है कि ये देखो, ये स्पर्म प्रोड्यूस करता है, ठीक है, स्पर्म प्रोड्यूस किया, ये एक नैरो पैसेज है, इससे स्पर्म होता हुआ जाएगा। अब इससे जब जाएगा तो ये यहाँ पे आएगा, तो इसको क्या कहते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड। ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड है ये क्या करता है, ये सिक्रीट करता है मिल्की फ्लूइड, ठीक है, जो कि क्या न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं किसको, स्पर्म को। जब ये स्पर्म इस प्रोस्टेट ग्लैंड का मिल्की फ्लूइड से मिक्स हो जाता है तो उसको सेमेन कहते हैं। ये जो मिल्की फ्लूइड है वो नॉरिशमेंट तो प्रोवाइड करता ही है, साथ ही साथ उसको स्पर्म को मूव करने में भी हेल्प करता है। अब जब ये स्पर्म और मिल्की फ्लूइड मिले तो उसे सेमेन कहा है। सेमेन जब यहाँ से पास होता है यूरेथ्रा से, ठीक है, ये जो यूरेथ्रा है ये कॉमन पैसेज है, यहीं से यूरिन भी पास होता है और यहीं से स्पर्म भी पास होता है। हमेशा याद रखना कि यूरिन और सेमेन दोनों एक साथ कभी पास नहीं होगा। जब यूरिन पास होगा तो सेमेन नहीं जाएगा और जब सेमेन जाएगा तो यूरिन पास नहीं होगा, और इस यूरेथ्रा के थ्रू ये फाइनली यहाँ से बाहर निकल जाता है। तो ये मैंने लिखा है यहाँ पे कि प्रोस्टेट ग्लैंड को हम लोग सेमेनल वेसिकल भी कहते हैं। ये मिल्की फ्लूइड सिक्रीट करता है जो कि मोबिलिटी ऑफ स्पर्म को इंक्रीज करता है, न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करता है स्पर्म को, और जब ये स्पर्म और मिल्की फ्लूइड जो कि प्रोस्टेट ग्लैंड से निकला है ये दोनों मिल जाते हैं तो उसको सेमेन कहते हैं। यूरेथ्रा क्या है, ये कॉमन पैसेज है यूरिन और स्पर्म के लिए। ये स्पर्म का डायग्राम है, इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, इट कम्स इन एग्जाम्स। तो ये उसका 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है स्पर्म का स्ट्रक्चर। ऊपर के पार्ट को हेड कहते हैं, बीच वाले पार्ट को मिडिल पीस कहते हैं, और ये टेल होता है जो कि मोबिलिटी के लिए, मूवमेंट के लिए हेल्पफुल है, ठीक है। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ये डायग्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पर्पस व्यू। अब इसमें क्या होता है ये देखो, इसमें जो फीमेल रिप्रोडक्टिव का मेन पार्ट है वो है ओवरी। ओवरी क्या है, वो हमारा एग बनाता है, तो ये कितने हैं, 2 हैं, ठीक है। ये फेलोपियन ट्यूब क्या है, इसी के थ्रू जो एग है वो मूव करता है, ठीक। अब इसमें क्या, और ये देखो ये है वजीना, इसी से स्पर्म एंटर किया, फिर सर्विक्स पे जाता है और यूट्रस। यूट्रस में क्या होता है, यूट्रस में जब यहाँ ये फेलोपियन ट्यूब है आपका, यहाँ पे स्पर्म और एग फ्यूज़ कर जाएंगे, फ्यूज़ करके वो यूट्रस में आएंगे। यूट्रस में जो है वो जायगोट फॉर्मेशन होगा, और जायगोट जो है वो यहाँ पे इम्प्लांट मीन्स यहाँ पे चिपक के फिर ग्रोथ होता है बेबी का, ठीक है। तो कैसे प्रोसेस होता है, स्पर्म जो है वो इंटर करता है वजाइना के थ्रू, फिर सर्विक्स में जाता है, फिर यूट्रस में जाता है, ठीक है। ओवरी रिलीज़ किया, अच्छा ये याद रखना कि ओवरी जो है वो हर मंथ रिलीज करते हैं एग और अल्टरनेट करते हैं, मींस कि सपोज कि एक मंथ में ये वाले ओवरी ने एग रिलीज किया तो दूसरे मंथ में ये वाला ओवरी एग रिलीज करेगा, ठीक है। तो जब स्पर्म आता है, एंटर किया, यूट्रस में आया, तो उसके बाद क्या होता है कि ओवरी तो रिलीज किए हुए है एग, ठीक है, वो ट्रैवल करता है ओविडक्ट मीन्स फेलोपियन ट्यूब में, ठीक है। स्पर्म जो है वो भी फेलोपियन ट्यूब में आया। अब अगर जो स्पर्म है उसको मानो कि राइट वाले ने प्रोड्यूस किया है इस बार एग और वो लेफ्ट वाले में गया, तो यहाँ पे तो एग है ही नहीं, तो वो क्या होगा, वो स्पर्म जो है वो वहीं पे मर जाएगा, उसको अब कुछ काम ही ना हुआ तो उसका वो तो गया। और सपोज जो स्पर्म है वो वही राइट वाले मीन्स जिस साइड ने ओवरी प्रोड्यूस किया, ओवरी ने ओवम प्रोड्यूस किया, उस साइड गया, वहाँ पे क्या होगा, फिर फर्टिलाइज हो जाएगा। फर्टिलाइज हुआ तो फ्यूजन होगा क्या चीज़ का, ये मेल और फीमेल गेमेट्स का, तो फ्यूजन होके उन्होंने जायगोट बनाया। जायगोट बना के ये जो यूट्रस में है इम्प्लांटेशन होगा। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, फर्टिलाइजेशन हो गया, अब इम्प्लांटेशन। और जो पूरा 9 मंथ्स का पीरियड होता है ऑफ द बेबी ग्रोथ फ्रॉम जायगोट टू फीटस, उसको हम लोग जेस्टेशन पीरियड कहते हैं। तो स्पर्म भी आ गया और एग भी मिल गया फेलोपियन ट्यूब में, दोनों का फ्यूजन भी हो गया, जायगोट भी बन गया। अब जायगोट जो है वो डिवाइड करेगा, इम्ब्रियो बन जाएगा। अब ये जो इम्ब्रियो है वो यूट्रस
के पास जाएगा। अब यूट्रस जो है वो इम्प्लांटेशन के लिए क्या करता है, यूट्रस मेक इट्सेल्फ रेडी फॉर इम्प्लांटेशन। यूट्रस क्या करेगा, वो थिक ग्रोथ करेगा, कैसे, वहाँ पे रिच सप्लाई ऑफ ब्लड होगा और म्यूकस फॉर्मेशन होगा और वो थिक लेयर बनाएगा यूट्रस। क्यों, ताकि वहाँ पे मोटा लेयर बने रहेगा तो वहाँ पे इम्प्लांटेशन अच्छा होगा, नहीं तो मिसकैरेजेस हो जाते हैं अगर अच्छा से वहाँ पे यूट्रस वॉल नहीं डेवलप किया हुआ रहता है। वो जो रिच सप्लाई होता है यूट्रस के वॉल में वो विथ ब्लड होता है और वो क्या करता है, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है एम्ब्रियो को। इम्प्लांटेशन के बाद क्या होता है, इम्प्लांटेशन के बाद एक स्पेशल टिश्यू प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होता है। ये प्लेसेंटा जो है वो डेवलप करता है यूट्रस और इम्ब्रियो के बीच में। प्लेसेंटा ऑक्सीजन और ग्लूकोज प्रोवाइड करता है, जो फीटस ग्रो हो रहा है उसको ऑक्सीजन और ग्लूकोज प्रोवाइड करता है थ्रू ब्लड, ठीक है। और साथ में उस जो बच्चे ने वेस्ट मटेरियल बनाया जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और यूरिया, वो भी प्लेसेंटा के थ्रू ही रिलीज होता है, ठीक। और जेस्टेशन पीरियड मैंने बता ही दिया कि होल पीरियड ऑफ इम्ब्रियो डेवलपमेंट जो कि 9 मंथ्स होता है उसको हम लोग जेस्टेशन पीरियड कहते हैं। अब तो एक क्वेश्चन अराइज होता है कि आखिर होता क्या है अगर एग्स फर्टिलाइज ना हो तो, व्हाट हैपेंस इफ द एग्स आर नॉट फर्टिलाइज, तो क्या होगा। अब एग्स, हम मैंने क्या कहा कि एग्स जब फर्टिलाइज हो, मैंने कहा जब एग्स फर्टिलाइज होगा तो यहाँ यूट्रस में एक थिक कवरिंग बनती है इम्प्लांटेशन के लिए। लेकिन अगर एग फर्टिलाइज्ड हुआ ही नहीं तो क्या होता है, तो जब एग फर्टिलाइज्ड नहीं होता तो अब ये जो यहाँ पे ब्लड का फॉर्मेशन, ब्लड की जो लेयरिंग मोटी सी बनी है वो क्या होती है, वो शेड ऑफ हो जाती है, मीन्स वो टूट जाती है। और वो हर मंथ का ये प्रोसेस है और इसे ही हम लोग और मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होता है, ब्लड और म्यूकस का रिलीज हो जाता है फ्रॉम दिस वजाइनल यूट्रस सर्फेसेस और दिस प्रोसेस इज नोन एज मेंस्ट्रुअल साइकिल। व्हेन एग्स आर नॉट फर्टिलाइज देन द यूट्रस लाइनिंग शेड ऑफ इन द फॉर्म ऑफ ब्लड एंड म्यूकस एवरी मंथ एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल आप लोग समझ गए। अब मेनार्क क्या है, एक इम्पॉर्टेंट टर्म है, क्या जो फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है किसी गर्ल में उस चीज़ को हम लोग मेनार्क कहते हैं। एवरेज एज क्या है इसका, 12.4 ईयर्स है, 12.4 ईयर्स। मेनोपॉज को क्या होता है, व्हेन ओवरी स्टॉप्स प्रोड्यूसिंग एग एंड मेंस्ट्रुएशन स्टॉप्स, मतलब अब जो फीमेल है शी इज नो लॉन्गर रिप्रोडक्टिवली एक्टिव, अब वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती, उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो स्टॉप कर गया है, नाउ शी विल नॉट बी एबल टू प्रोड्यूस एनी एग, अब वो कोई एग नहीं देगी, तो उस टाइप के पीरियड को हम लोग मेनोपॉज करते हैं। ये एज 45 से 50 ईयर्स में हो जाता है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब क्या है, स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग ऑफ बोथ इंडिविजुअल इज कॉल्ड रिप्रोडक्टिव हेल्थ, मीन्स फिजिकली मेंटली और सोशली दोनों को ठीक होना चाहिए, दैट इज नोन एज रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अब STD क्या होते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस इसका फुल फॉर्म है। अब ये होता क्या है, डिजीजेस दैट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन इन्फेक्टेड पर्सन टू अनदर एट द टाइम ऑफ सेक्सुअल इंटरकर्स इज नोन एज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, मीन्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मेटिंग, जब मेल और फीमेल का इंटरकोर्स हो रहा हो उस टाइम अगर एक इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे बॉडी फ्लूइड एक्सचेंज होते हैं तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ उन्हें कहा जाता है, जो डिजीज़ कॉज होंगे ये बैक्टीरियल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, जिसमें बैक्टीरियल जो है उसका ट्रांसफर होता है, और वायरल STDs भी होते हैं। बैक्टीरियल का एग्जाम्पल है हॉर्निया और सिफिलिस, और वायरल का एग्जाम्पल है HIV वॉट्स, ओके। अब कॉन्ट्रासेप्शन मेथड्स क्या होता है, द मेथड्स यूज टू प्रिवेंट अनवांटेड प्रेगनेंसी। सपोज एक कपल है एंड दे आर नॉट प्लानिंग फॉर बेबी, तो वो लोग कॉन्ट्रासेप्शन मेथड यूज़ करते हैं, या फिर फीमेल फिट नहीं है अभी वो लोग बेबी नहीं चाहते, तो वो दो जो मेथड वो लोग अपनाते हैं उसे हम लोग कॉन्ट्रासेप्शन मेथड कहते हैं, टू अवॉइड दैट अनवांटेड प्रेगनेंसी, ठीक है। ये टाइप्स कितने हैं कॉन्ट्रासेप्शन मेथड के, 3 टाइप्स हैं, बैरियर मेथड, केमिकल मेथड और सर्जिकल मेथड, ठीक है। बैरियर मेथड में क्या होता है कि जो एंट्री ऑफ स्पर्म इज प्रिवेंटेड फ्रॉम गोइंग इनटू फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट, तो जो स्पर्म का एंट्री है उसको प्रिवेंट मीन्स रोका जाता है फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में, अगर स्पर्म का आना ही रोक दिया जाएगा तो फ्यूजन नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, तो प्रेगनेंसी कहाँ से होगी।
तो अगर हम लोग स्पर्म के एंट्री को ही रोक दे तो दैट टाइप ऑफ मेथड इज नोन एज बैरियर मेथड। इसमें एग्जांपल होंगे कॉन्डम, डायफ्रेगम और सर्वाइकल कैप। ठीक, केमिकल मेथड क्या होता है? हॉर्मोन्स ऑफ बॉडीज आर अल्टर्ड विथ हेल्प ऑफ पिल्स एंड प्रिवेंट एग मैच्योरेशन एंड फर्टिलाइजेशन इन फीमेल बॉडी। मीन्स इसमें क्या है कि हम लोग जो फीमेल्स हैं वो पिल्स मतलब कि जो टैबलेट्स है वो लेती है, जो इसमें कुछ हॉर्मोन्स होते हैं जो कि आपके बॉडी के फर्टिलाइजेशन प्रोसेस को अल्टर करते हैं और क्या करते हैं, प्रेगनेंसी फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट करते हैं फीमेल के बॉडी में। एग्जांपल इसका ओरल पिल्स है और वजाइनल पिल्स है। ये जो केमिकल मेथड है इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। एक IUCD इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, इसका एग्जांपल है कॉपर टी। नाउ कमिंग टू दिस थर्ड मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन मेथड, दैट इज सर्जिकल मेथड। ये क्या है? ये हाईली इफेक्टिव कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है। और सर्जिकल मेथड तभी किया जाता है कि जब सपोज अ कपल है और उनको अब मोर बेबीज नहीं चाहिए, उनकी फैमिली कंप्लीट हो गई है, तब वो लोग सर्जिकल मेथड यूज़ करते हैं। इसमें क्या है, ये दो टाइप के हैं। वैसेक्टोमी जो कि मेल में किया जाता है, इसमें क्या है कि वास डिफरेंसेस जो मेल है उसको ब्लॉक कर दिया जाता है, कट करके टाई कर दिया जाता है ताकि इसका स्पर्म का जो है ट्रांसफ़र उसको प्रिवेंट कर दिया जाए। और दूसरा टाइप है ट्यूबेक्टोनी जो कि फीमेल में होता है, इसमें क्या है कि फेलोपियन ट्यूब जो है उसको ब्लॉक किया जाता है टू प्रिवेंट द ट्रांसफ़र ऑफ एग्स। ये हो गया आपका रिप्रोडक्शन, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसमें जो इम्पॉर्टेंट डायग्राम्स है वो चार हैं, वो आपको मैं बता देती हूँ वो क्या क्या हैं। सबसे पहले ये ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मैंने जितने भी बनाए वो सारे इम्पॉर्टेंट थे डायग्राम। दूसरा एक ये डायग्राम बहुत इम्पॉर्टेंट है फ्लावर का, और मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का जो डायग्राम था वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। इफ़ यू ऑल वॉन्ट नोट्स ऑफ दिस चैप्टर देन प्लीज़ डू लेट मी नो। Do comment your views and like the video, and please 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 subscribe to my channel for such interesting easy concept clearing videos. Thank you.